कुशवाहा समाज मुस्तैदी से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। हमको ट्रांसपोर्टेशन कराने का चिकना रोड किसने दिया? नीतीश कुमार ने। हमको 24 घंटा बिजली किसने दिया? 75 पैसा यूनिट में बिजली किसने दिया किसान को? रहेंगे इनके फ्रांस वाला के साथ। उपेंद्र जी सही में अगर अपने आप को जनता दल में मानते हैं तो उनको इस पार्टी के कार्यक्रम में आना चाहिए था, मेरा अपना मानना है। कहीं से उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया? इस बेटी के ब्याह है, हमें इनविटेशन मिला है। जिस लव कुश समाज की बात करते हैं, लव का सिर्फ एक एमपी है कौशलेंद्र कुमार नालंदा, और कुशवाहा का 2 एमपी है। तो उनको जरा सोचना चाहिए कि किसको हक ज्यादा देते हैं, किसको हक कम देते हैं। नीतीश जी तो आई थी एमएलसी बना दिए, पार्टी में और लोग कुशवाहा समाज के लोग नहीं थे क्या जो अपना खून पसीना सींच रहे थे? वो तो बोल रहे झुंझुना थमा दिए। अब उनका एमएलसी झुंझुना तो इस्तीफा दे दे तो रख ले का लगे। जब झुंझुनू में आए तो रख करके तो आप करवा का फेंका। हमारा नेता के बगो दुर्भाग्य है, जरा ज्यादा ऐसे ऐसे करते हैं ना, ज्यादा उछले लगता भस्मासुर हो जाता है। ये मेरे नेता का दुर्भाग्य है। एक वो आईएएस को बना दिए, वो अलग झोला काट के भाग गया। मैं हूँ आपके साथ सुंदरम कुमार। आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती जदयू के द्वारा मनाया जा रहा है, वही दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी जयंती मना रहे हैं। कल राजद के तरफ से देखा गया था कि इनकी जयंती मनाई गई थी, और जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से जदयू के अंदर टूट पड़ा हुआ है, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा लगातार बागी तेवर में है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ राजीव रंजन पटेल हैं, प्रदेश महासचिव जदयू के हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार जदयू सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर में है। आज जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहिए? यहाँ जो इतने बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों ने उनको जवाब दे दिया है। अब और कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, तो इनके नेतृत्व में पूरे बिहार से हर प्रखंड में जनता दल यू आज मना रही है जगदेव जयंती। एक जगह नहीं, हर प्रखंड में जगदेव जयंती मनाया जा रहा है। कोई पटना में तो ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, 3-4 हजार लोग अभी यहाँ पार्टी कार्यालय में अंदर और बाहर सारे जगह देख रहे हो। कुशवाहा समाज के लोग आज जुटे हैं। तो ये जयंती जो हम लोग मना रहे हैं जगदेव बाबू का, ये तो हर जगह मनाया जा रहा है। लेकिन मेरा तो मानना है कि उपेंद्र जी सही में अगर अपने आप को जनता दल में मानते हैं तो उनको इस पार्टी के कार्यक्रम में आना चाहिए था, मेरा अपना मानना है। कहीं से उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया? इस बेटी के ब्याह है, हमें इनविटेशन मिला है, हमारा इनविटेशन मिल रही है। अरे मेरी पार्टी है, हमारे खून पसीने से सींची गई पार्टी है ये। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर जाति धर्म के लिए काम किया है, तो आज जगदेव जयंती है पूरा बिहार जानता है। और पार्टी की चिट्ठी निकल चुकी है 3-4 दिन पहले, अखबारों में आ चुका है, सोशल मीडिया में आ चुका है, टेलीविजन चैनल में आ चुका है। तो जब इतना जगह आ चुका है तो निमंत्रण मिलेगा इसमें। एक चीज बताइए, जगह जगह बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, सभी नेता जो बड़े बड़े नेता हैं सभी का पोस्टर में जगह दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा का है दरकिनार कर दिया गया। अभी तो पोस्टर बनाने वाला लोग जाने, हम तो पोस्टर देखे बनाए नहीं है, हमने कोई पोस्टर अपना नहीं बनाया है। तो पोस्टर बनाने वाले लोग जाने क्या है क्या नहीं है। निजी स्तर पर अब बहुत सारा फोटो नहीं हटता है, जगह भी कम रहता है, बैनरवा बनाने का। उपेंद्र कुशवाहा हटा दीजिएगा। अब हम लोग तो बनाए नहीं, पार्टी ने तो कोई बनाया नहीं, पार्टी का कोई बैनर नहीं बना और हम लोगों ने भी नहीं बनाया। तो फिर निजी चीज पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते हम, ये तो निजी ऑफिस है। हाँ, पार्टी की ओर से अधिकृत करके कोई बैनर बनाया जाता तब होता कि भाई पार्टी ने, पार्टी की ओर से तो बना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं कि हक लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। जनता दल यू सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है, सबका यहाँ हक है। और नीतीश कुमार जी सबके लिए काम करते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी का तो कोई परिवार के लिए काम करने का रिकॉर्ड है नहीं। तो अब तो हक मांगना ही अपने आप में गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हो। हाँ, निजी कोई बात उनका हो तो हम न जानते हैं। कुशवाहा समाज मुस्तैदी से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है, क्योंकि कुशवाहा समाज वो समाज है जो धरती का सीना चीर करके और उसमें से अनाज उपजाने वाला जात है, जो धरती का सीना चीरना जानता है, वो मजबूत जात है कुशवाहा समाज। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? उमेश कुशवाहा जी। हमारे पार्टी में मंत्री कौन है? जयंत राज जी। हमारे पार्टी में सांसद कौन है?
तो ये संतोष कुशवाहा जी हमारी पार्टी के सांसद कौन है? महाबली सिंह। लेकिन उनको बताना चाहते हैं हम, जिस लव कुश समाज की बात करते हैं, लव का सिर्फ एक एमपी है कौशलेंद्र कुमार नालंदा और कुशवाहा का 2 MP है। तो उनको जरा सोचना चाहिए कि किसको हक ज्यादा देते हैं, किसको हक कम देते हैं। हक की बात कर रहे हैं आप, कुशवाहा जी तो यहाँ तक कह दिए ना, आप तो लगातार देख रहे हैं बागी हैं, उसके बाद हक लेने की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे, मूली गाजर है कि उखाड़ के कोई फेंक देगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कह रहे हैं आए गए, तो कुशवाहा का आखिर राजनीति में क्या भविष्य रह जाएगा, फिर जदयू छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? कुशवाहा उपेंद्र जी का बात उपेंद्र जी जाने, कुशवाहा समाज मजबूती से ये भीड़ बता दिया कि मजबूती से नीतीश कुमार के साथ है कुशवाहा समाज। ये 2-4 हजार लोग जब भी मैंने 3 दिन के सूचना में, ये 3 दिन के सूचना में जो 4,000-5,000 का भीड़ उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में जमा है, ये बता दिया कि कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। अब खड़ा क्यों नहीं होगा? अरे खड़ा क्यों नहीं होगा, जो काम नीतीश कुमार जी ने, हम कुर्मी जाति से आते हैं, ये कोयरी जाति से आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अनाज उपजाते हैं, सब्जी उपजाते हैं, हमको ट्रांसपोर्टेशन कराने के चिकना रोड किसने दिया? नीतीश कुमार ने। हमको 24 घंटा बिजली किसने दिया? 75 पैसा यूनिट में बिजली किसने दिया किसान को? तो रहेंगे इनके फ्रांस वाला के साथ, तो रहेंगे फ्रांस वाला के साथ आए। अब किसान को दाम कौन दिला रहा है? 3 गो डीजल सब्सिडी कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सब कुछ दे रहे हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा नाराज काहे हो गए? अच्छा निजी नाराजगी का कौन दवाई है भाई? किसी को धरती पर सबका दवा बना, लेकिन भरम का कोई दवा नहीं बना है। भ्रमित कौन कर रहा है? अभी तो वही जवाब देंगे। नीतीश जी तो आई थी MLC बना दिए, पार्टी में और लोग कुशवाहा समाज के लोग नहीं थे क्या, जो अपना खून पसीना सींच रहे थे? वो तो बोल रहे झुंझुना थमा दिए। अब उनका MLC झुंझुना तो इस्तीफा दे दे, तो रख ले का लगे। जब झुंझुनू में आए तो रख करके तो आप करवा का फेंका, फेंक लो ना जाए, रख लो ना जाए, का करवा भाई बतावा। तो सवाल तो खड़ा जदयू पे कर रहे हैं लगातार देख रहे हैं। देखिए हमारा नेता के बहुत दुर्भाग्य है, जरा ज्यादा ऐसे ऐसे करते हैं ना, ज्यादा उछले लगता भस्मासुर हो जाता है। ये मेरे नेता का दुर्भाग्य है, एक वो IAS को बना दिए, वो अलग झोला काट के भाग गया। एक वो IAS को नीतीश कुमार जी सोचे कि जरी पहलाते हैं, वो अलग झोला काट रहे थे हाथ घुर घुर करके, एक आदमी ने मिलता उसको, अब एक वो नायका फिर आ गए। ये मेरे नेता का दुर्भाग्य जरूर है कि जिसको हाथ दे करके पीठ दे करके सहलाते हैं, वो तुरते जो है बौखने लगता है इधर से उधर जा करके। ये दुर्भाग्य का तो हम लोग दोषी है। उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई जो है वो अनैतिक लड़ाई मानते हैं इसको? तेरी के साहब कुशवाहा तो यही है, तब लड़ाई कहाँ है जी? अरे सब कुछ, अरे सब कुशवाहा नीतीश जी के साथ है, तब लड़ाई के रस होते। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई, और एक तरफ यहाँ पे कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और ये लगातार बोल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई जो है उनका अपना लड़ाई है, वो अपनी बात कर रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे। खबर में फिलहाल इतना ही, बन रही लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।